Hello friends, welcome again to the world of children's books, children's stories and folk performances. Here we welcome you to the world of an online innovative program, CNP Tamasho. Watch, read, see and enjoy. Today's story is anchored on the book again by Manorama Jaffa and illustrated by Jagdish Joshi. This world of book readers, Kapil the book reader. Let us enter this world, but first, the magic eyes with Rehman Shah. Enjoy, watch, and enter the world of magic. नमस्ते बच्चों। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो बेटा सब? सही है, सही है। अच्छा, आज हम आपको कहानी सुनाते हैं मैजिक के साथ, ठीक है? ठीक है, ठीक। तो कहानी का शीर्षक है पढ़ाकू। पढ़ाकू बच्चा था, उसका नाम था कपिल। कपिल तो कपिल जो था वो बहुत ज्यादा पढ़ाकू था, ठीक है? तो आप बेटा सब पढ़ते हो ना? हाँ जी। अरे अब तो लॉकडाउन में ही पढ़ रहे हो भाई? मतलब थे, पढ़ते थे। ये कहो लॉकडाउन से पहले पढ़ते थे? अभी लॉकडाउन में जो है ना स्कूलें बंद है सारी की सारी, तो अभी कहाँ से पढ़ोगे? तो पढ़ना चाहते हो तो जैसे जो कहानी का शीर्षक है ना कपिल, पढ़ाकू कपिल जी, उसकी तरह पढ़ना सीखो, क्योंकि वो बहुत जबरदस्त पढ़ने वाला बच्चा था। तो सब लोग कपिल की तरह पढ़ेंगे ना? जी जी। पक्का? पक्का पक्का। चलो पक्का। बेटा पढ़ोगे? पक्का पढ़ोगे ना? जी पढ़ेंगे। देखो पढ़ने की और पढ़ाई लिखाई की ये बात होती है, एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया में था जी, ठीक है? तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था ना, तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ धूप थी एक जगह जी, मैं वहां धूप में जाके बैठ गया, तो एक आदमी मुझसे कहने लगा, अब मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, थोड़ा बहुत जो बोलता हूँ इंग्लिश में यस नो वो भी किसी से सुन के बोलता हूँ, तो मैं वहां बैठ गया, तो एक आदमी कहने लगा सर आप यहाँ मत बैठो। मैंने कहा क्या हुआ सर? मेरे यहाँ बैठने से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो विदेश गया था तो मैं कोट पैंट में था भाई, कोट पैंट में तो बंदर रुबाब में होता है ना, तो कोट पैंट में था मैं, तो उसने कहा कि सर आप यहाँ मत बैठो, यहाँ धूप में बैठने के पैसे लगते हैं। मैंने कहा कौन कह रहा है वो, धूप में बैठने के पैसे ले फालतू के पैसे? तो उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ पैसे लगते है, वो सामने देखो एक घंटा बैठोगे तो इतने डॉलर। मैंने कहा भैया तुम्हारा काम करो, मैं नहीं बैठूंगा भाई, यहाँ मैं जाके ना दूसरी जगह बैठ गया। तो देखो बोर्ड लिखे हैं, कहीं हम जाते हैं ना, चलना मना है, दौड़ना मना है, तेज चलना मना है। अच्छा तो ये सारी चीजें किसके लिए होती है? पढ़ाई के लिए। पढ़ाई तो पढ़ोगे लिखोगे कामयाब बनोगे तो उसके लिए तुम्हारे लिए बहुत सारे रास्ते आसान हो जाएंगे जी, ठीक है? तो आज हम पढ़ते हैं, आज मैं आपको पढ़ाता हूँ सब बच्चों को, ठीक है? ठीक है। अच्छा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अनस। अनस, अनस कुमार श्रीवास्तव अग्रवाल स्वीट भंडार, मतलब तुम्हारा ऐसे ही है अग्रवाल स्वीट भंडार है नहीं मतलब तुम्हारे पास, लेकिन मैंने लिख दिया।
तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है बेटा? मेरे पिताजी का नाम, ऐसा बोलो कानून से लिख दो, कानून से लिख दो है बेटा भाई। ठीक है कानून से मैंने लिख दिया आई भाई टाइम ही होगा कोई। और भाई अनस कुमार श्रीवास्तव अग्रवाल स्वीट भंडार 6 महीने की सजा 15 महीने की फांसी जेल खाना कुमारों में है। ऐसा बोलो मोहर लगा दो, मोहर लगा दो, कच्ची लगा दूं के पक्की? पक्की। ये लग गए मोहर। ध्यान से देखो किताब में क्या लिखा है। खाली है, खाली है, खाली है। सब बच्चे बताओ खाली है, खाली है। क्या खाली है? किताब, किताब बिल्कुल खाली है, खाली है। इधर से दिखाता हूँ मैं, इधर से क्या है? खाली, खाली। इसमें कुछ लिखा है? नहीं। ऐसा बोलो लिख दो, लिख दो। कितनी देर में लिख दूँ? एक सेकंड में, एक सेकंड में। तुम्हारे पास अमरीका का पेन है? एक सेकंड में लिख दो। ये किताब में एक सेकंड में नहीं, एक चुटकी बजाने में लिख दूंगा। ऐसा बोलो लिख दो, लिख दो, लिख दो। अंत्रो मंत्रो आबरा गा डाबरा ची पहुंचा। ये नीला कलर में डाल देता हूँ इसमें। ठुस। कितने सारे कलर हैं? बहुत सारे, बहुत सारे, बहुत सारे। हर रंग है ना इसके अंदर? हाँ। लेकिन इसके अंदर हमें एक कलर करना है। हाँ। ऐसा बोलो एक कलर कर दो, एक कलर कर दो। बिल्कुल एक, बिल्कुल एक कलर। हाँ। ज्यादा कलर नहीं करना। नहीं। अगर ज्यादा कलर कर दिया तो गड़बड़ में सड़बड़ हो जाएगी, है कि नहीं? एक दो तीन, क्या नाम था भाई तुम्हारा? अनस। एक दो, एक दो, अनस को गंदे नाले में जाके फेंक दो। खुश। बोलो लिख दो, लिख दो, लिख दो। इधर से देखो, एक में लिखा है या सब में? सब में, सब में, सब में, सब में, सब में लिखा है। एक किताब में लिखा है, पूरी में? पूरी में। कहाँ लिखा है? खाली है, खाली है, खाली है कि भरी है? खाली। कौन कह रहा है खाली है? ऐसे बेटा झूठ मत बोलो। खाली है कि भरी हुई है? भरी हुई। ये कौन कह रहा है भरी हुई है? ये कह रही है। दोबारा देखो, खाली है कि फूल है? फूल है, फूल है, फूल है। इधर से देख लो बेटा, क्या है इधर? खाली है, खाली है। और इधर से देखो बेटा, खाली है, खाली है। कौन बेवकूफ कह रहा है खाली है? देखो ये है मैजिक। जैसे जैसे इस किताब में खालीपन था, उसी तरह से इसमें फिर लिखा हुआ आ गया, फिर इसमें फूल वगैरह आ गए, तो ये किताब है मैजिक वाली। लेकिन जो किताब आप लोग स्कूल में पढ़ते हो वो किताब है विद्या वाली। ठीक है जी। तो उसे दिल से पढ़िए और विश्वास से पढ़िए और दुनिया में कामयाब बनिए। लोग आपकी इज्जत करेंगे, लोग आपका मान करेंगे, लोग आपका सम्मान करेंगे। ठीक है बेटा? ठीक है। और इसी के साथ मिलते हैं अगले बार अगले मैजिक के साथ। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। सो फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एक्चुअल मैजिक एंड हाउ मैजिक वर्ल्ड इज ऑल्सो द मैजिकल वर्ल्ड of picture book story, the world of Kapil the reader. And here we enter with
Divya Goswami, a dancer, who will take you into the dance world of this wonderful book. See how beautiful are the pictures. This too is an art. Art of drawing pictures for children's books. Let us enter the world of children's books and the world of reading with Divya Goswami. Let's enter. Kapil the Reader by Manorama Jaffa, illustrated by Jagdish Joshi. Welcome to all of you. I hope you all enjoyed the magic show that we had brought. Now, let me take you from the world of magic to a beautiful universe filled with stories. Long ago, there lived a boy named Kapil. He loved reading more than anything else. Each morning, he would wake up and pick up his books and begin reading. He was so lost in his world of books that nothing around him mattered. Therefore, one day, his mother told him, "Kapil, you will not touch any book till the time you finish your duties for the day." One morning, Kapil woke up and he saw a bright, colorful new book right there in his home. He was so excited that he quickly grabbed it. But he remembered the promise that he had made to his mother. He quickly got ready and went up to the garden, plucked the flowers for puja, gave it to his mother. He fed the cattle and did all the little chores that his mother had planned for him. As soon as his work was over, he held his book and began reading. "Kapil, my child, where are you? Kapil." Kapil could not hear his mother, for he was busy in his book. She found him and touched him. "Mother, did you call my name?" "Of course, Kapil, I called you. Please go up to the fields and call your father so that we all can have a meal together." Kapil took his book and began his journey towards the fields. All the while, of course, reading his book. He was barefoot, the pebbles were hurting him, the thorns were troubling him, but nothing mattered to Kapil. Right there in the middle of a track was a huge mango tree, and Kapil was busy reaping. He could not see the tree. He banged hard onto the mango tree and fell down. Kapil on one side, the book on the other side. He quickly got up, dusted himself, found his book, asked the book for forgiveness, began reading once again and continued. A little ahead was a huge boulder. Kapil bumped into the boulder and this time fell really hard. But he grabbed his book and together they fell onto the road. His knees were bruised, his toes were bleeding, but still it did not matter. All that pleased Kapil was his new book. You know, children, all the while this scene was being witnessed by the goddess of knowledge herself, Goddess Saraswati. She called out to Kapil. "Kapil, my dear child, listen to me." Kapil could not even hear the goddess. He was still flipping through his book. She called out a little louder. "Kapil, look, it's me, the goddess of knowledge." Kapil still could not hear. He was still enjoying his book. Finally, the goddess came right in the middle of his track and Kapil bumped into her. There was this divine aura of the goddess.
are you Goddess Saraswati, the one who has given me these books? Of course, Kapil, I am the goddess and I have been watching you for many days. I'm so happy with you and your love for books. Ask me whatever you want and I will grant you the boon. Kapil thought hard. What can I ask? Ma, I have only one thing to ask of you. Can you please give me eyes on my feet so that with these eyes I can read my book and the eyes on my feet will guide me on my track? Lotus Saraswati laughed at the innocence of this wise child. She said, close your eyes, sit in meditation and your boon will be granted. When Kapil opened his eyes and looked at his feet, there, the eyes were right there on his feet. He was amazed, completely in gratitude of the goddess Saraswati. He thanked her. Later on, the same child, Kapil, became the learned scholar, Rishi Kapil. He was also called as Chakshupad. In Sanskrit, Chakshu means the eyes and Pada means the feet. He was the Rishi who had eyes right here in his feet. These two eyes that were a gift of the existence for him to read and enjoy the world of books. And the eyes on his feet that were a gift from Goddess Saraswati were his guide on this path, this journey of life, without fumbling, tumbling, or falling. So children, get up quickly, grab hold of your book, and let's all get lost in the world of words. So children, did you enjoy Kapil the Reader, Chakshupad, the eyes on the feet, the magic eyes on the feet? Don't forget, you have the magic wand. The magic wand of contributing. We must be, as we watch the performances of these wonderful artists, how can we afford to lose the national heritage skills of this pride of India? So watch this and make a small donation. Every penny counts. Somebody will get that extra food to share with you. Somebody will live to show many more Indians and people of the world, the lovely art of India. Contribute and be a part of Better India. With Kapil the Reader, let's meet you again now for the acrobat in the next episode, episode number 18. See you in Pitumashu. See you next time.